तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रयागराज नैनी आना होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग दोनों लोग पास हो चुके हैं, अभी मामा अटके हुए हैं, देखते हैं वो पास हो पाते हैं कि नहीं। अभी हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स इस वक्त हम जा रहे हैं आरटीओ ऑफिस, वहाँ पर हमारा एग्जाम है। तो फ्रेंड्स हम आपको आरटीओ ऑफिस भी दिखाएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो फ्रेंड्स आपको हम संगम भी दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ से फ्रेंड्स संगम कुछ ही दूर पर है। तो फ्रेंड्स वापसी में आपको ज़रूर हम संगम दिखाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम बाइक चलाते हैं तो हमें डीजल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम उसको बनवा ले रहे हैं ताकि आपको और अच्छी अच्छी जगह घुमा सकें। फ्रेंड्स उससे पहले नए व्यूअर फ्रेंड्स हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों आप जो ये भीड़ देख रहे हैं ये लेबर चौराहा है, और ये रही फ्रेंड्स हमारी बस, इसी से हम बैठ के जाएंगे आईटीओ ऑफिस। तो ये फ्रेंड्स शांतिपुरम से चलती है, और ये हॉस्पिटल है फ्रेंड्स शांतिपुरम का, जो अभी बनकर तैयार हो रहा है, और ये प्राची हॉस्पिटल है। तो हम फ्रेंड्स बस के अंदर आ चुके हैं, ये देखिए टिकट मिल रहा है, हमारी तीनों की 90 रुपये की टिकट पड़ी है। ये फाफा मऊ में गंगा जी का सीन है फ्रेंड्स, ये देखिए अंग्रेजों के ज़माने का पुल अभी तक चल रहा था, तो ये नया पुल बनाया गया जिस पर फ्रेंड्स हम लोग चल रहे हैं। और उधर देखिए फ्रेंड्स कुंभ मेले के लिए नई रोड बनाई गई है पीपे का पुल का, तभी फ्रेंड्स वहाँ कोरोना की वजह से वहाँ से कोई आ जा नहीं रहा है, लेकिन बना दिया गया है। ये फाफा मऊ है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स कई सारे यात्री यहाँ पर स्नान करके वापस चले जाते हैं, और यहाँ से संगम फ्रेंड्स 20 किलोमीटर दूर है। और ये दोस्तों हमारा नैनी पुल आ चुका है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है फ्रेंड्स इस नैनी पुल का। तो अब हम लोग फ्रेंड्स बस के अंदर हैं तो आपको ठीक से दिखा नहीं पाएंगे, और उस तरफ फ्रेंड्स आप देखिए संगम दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, वहीं पर स्नान होता है। और इस तरफ भी फ्रेंड्स ये देखिए पिलर, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है फ्रेंड्स इस पुल का, कृपा करके आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आइएगा। और ये दोस्तों नैनी का सेंट्रल जेल है, यहीं पे सभी कैदियों को लाकर रखा जाता है फ्रेंड्स। इसकी दीवारी देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ऊंची है, और यहाँ पर अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाई गई है फ्रेंड्स। और ये हम लोग आईटीआई कॉलेज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, ये फ्रेंड्स अभी काम चल रहा है यहाँ पर, यहाँ पे फ्रेंड्स हमें पेपर एग्ज़ाम देना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग पहली बार आए हैं तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, यहीं पे आकर आप कंप्यूटर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एंट्री करानी होगी, तो मामा हमारे एंट्री करा रहे हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर फ़ोटो खिंचानी होगी, तो देखिए फ़ोटो खिंचाई जा रही है। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर आना होगा, कंप्यूटर के द्वारा एग्ज़ाम देना होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं एग्ज़ाम देते हैं, देखते हैं पास होते हैं फेल। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग दोनों लोग पास हो चुके हैं, अभी मामा अटके हुए हैं, देखते हैं वो पास हो पाते हैं कि नहीं। अभी हम दोनों ने अच्छे मार्क्स ला लिए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया है आईटीओ वाला। तो फ्रेंड्स देखते हैं मामा का क्या हाल है, पास होते हैं कि फेल, अभी तो अंदर ही हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रयागराज नैनी आना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आईआरटी कॉलेज है फ्रेंड्स, यहाँ पर आरटीओ ऑफिस है इसी के अंदर फ्रेंड्स। तो उधर जाके आपको फ्रेंड्स वहाँ पर एंट्री करानी होगी, और आपको ही फ़ोटो भी वहाँ पर खींची जाएगी, और उससे फ्रेंड्स पीछे वहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो 30 सेकेंड रहते हैं फ्रेंड्स एक प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स अगर
15% में से आपके 9% सही हुए तो आप पास हुए, नहीं तो फ्रेंड्स फेल हो जाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम दोनों तो पास हो गए, अभी मामा अंदर ही हैं, देखते हैं क्या उनका रिजल्ट होता है। मामा पास हो गए, चल के पूछते हैं कैसा गया एग्जाम। हाँ मामा पास हो गया, कही थी सही है नौटी, यहाँ पर फ्रेंड्स मामा का सही हुआ है, हम तीनों के तीनों लोग पास हो चुके हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स घर की तरफ। लौटते वक्त फ्रेंड्स हम लोग को सीट मिल गई है। अब आपको फ्रेंड्स ठीक से हम नज़ारा दिखाएंगे बाहर का। ये हमारी गंगा जी फ्रेंड्स, यही संगम है।